फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके क्लास सिक्स मैथ्स की चैप्टर सेवन फ्रैक्शंस, इसकी एक्सरसाइज 7.2 है, इसको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं। टॉपिक क्या है, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको पता है कि ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जहां पर भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, सपोज 1/4, यहाँ न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर 4, सो दिस फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/5, 7/9, 8/10, हर जगह न्यूमरेटर जहां क्या है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका अपोजिट, जहां न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज 3/2, यहां न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 2, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यह क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से 5/4, 7/5, 9/3, ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। जहां पर एक होल नंबर भी आए उसके बाद एक फ्रैक्शन आए, फ्रैक्शन कौन सा होगा? वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और एक होल नंबर हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 3 whole 1/4, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। यहां 3 क्या है? 3 होल नंबर है, एंड 1/4 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सा मैं समझाता हूं, यहां पे तीनों को, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, ओके, एक का नाम है अमित, दूसरे का नाम है सुमित, तीसरे का नाम है विनीत, चौथे का नाम है यश, ओके। सपोज ये 4 फ्रेंड हैं और इनके बीच में कोई एक एप्पल को डिवाइड करना है। ये एक एप्पल है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है उसको मत ध्यान दीजिएगा। ये 4 बच्चों के बीच में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड होगा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 मीन्स एक एप्पल के आपने 4 हिस्से किए और एक एक हिस्सा चारों को दे दिया, तो ये 1/4 क्या कहलाएगा? दिस 1/4 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। अब सपोज इन 4 बच्चों में आपको इसी तरीके से टोटल 5 एप्पल हैं आपके पास, ओके, कितने एप्पल हो गए? 5। अब इन 5 एप्पल्स को इनके बीच में डिवाइड करना है, तब क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो यह है कि 4 बच्चे हैं, एक एक एप्पल उठा करके, पूरा एक एक एप्पल उठा करके चारों को दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? एक एप्पल बच गया। एक एप्पल बच गया तो पहले जैसे एक एप्पल को हमने डिवाइड किया था चारों में, वैसे ही 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 चारों को दे दिया, तो यहां पर फ्रैक्शन क्या हुआ? 1 होल मिला, हर बच्चे को क्या मिला? 1 कंप्लीट एप्पल मिला, मींस 1 होल, एंड एक 1/4, 1/4 सबको मिला, तो 1 होल एंड 1/4, सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। इस तरीके का फ्रैक्शन क्या कहलाया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहां गया? इसमें से एक बच्चे ने बोला नहीं, 5 एप्पल हैं, हर एप्पल के 4-4 पीस करेंगे, हम 4 लोग हैं और डिवाइड करते जाएंगे, पहला एप्पल लेंगे 4 पीस करेंगे, तो 1/4, 1/4 सबको मिला, फिर अगेन दूसरा एप्पल लेंगे उसको 4 पीस करेंगे, तो देखिए कितने 1/4, 4 एप्पल पहले इन्होंने डिवाइड किए, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ऐसे करके
कितने पीस मिले हर बच्चे को, 5 पीसेस मिल गए। 5 एप्पल के आपने 4-4 पीसेस किए, हर बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबको कितने मिले, 5 पीसेस मिले। तो अब दूसरे बच्चे ने बोला इसमें भी तो वही चीज हो गई, 1/4, 1/4, 1/4, ये चार हिस्से जब 4 क्वार्टर, 1/4 एक क्वार्टर होता है आपको पता है, इस तरीके से जब चार हिस्से मिले तो वो एक कंप्लीट एप्पल हो गया और उसके बाद में एक 1/4 और मिल गया। तो बात तो वही हो गई, 1 whole 1/4 कह लीजिए, या इस तरीके से टोटल कितने हिस्से मिले, 5 हिस्से मिले। तो ये क्या हो गया, 5/4, 4 लोगों के बीच में एक एक हिस्सा किया गया, चारों एप्पल पांचों एप्पल का, तो कितने हिस्से मिले टोटल, 5/4। तो अगर हम 5/4 लिखेंगे दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है होल नंबर्स जो है उसका फर्क है, बाकी उसका जो रिजल्ट है वो सेम है। जैसे 5/4 जिसको मिला या 1 whole 1/4 मिला, एप्पल बराबर ही मिला। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ए बी सी तीन पार्ट हैं, ए पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के बीच में ही फ्रैक्शन होते हैं। नंबर लाइन आपको पता थी कैसे स्टार्ट करते थे, 0 से स्टार्ट करते थे, कहीं पर 1, फिर 2, फिर 3 और इसके आगे भी हो सकती है। बट अभी आपको इसी नंबर लाइन पे लोकेट करने हैं फ्रैक्शंस को, मीन्स 1 यहाँ इसके लिए होल नंबर हो गया। अब इसके बीच में डिवाइड करना है, पहला क्या है 1/2, 1/2 को नंबर लाइन पे कैसे लिमिट लोकेट करेंगे, मीन्स 1 को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 0 और 1 के बीच में एक पार्ट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 1 whole है ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। जब दो हिस्से हमने किए तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2। 2/2 इज इक्वलेंट टू 1, 2 से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, चलिए इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 1/4, 1/4 को नंबर लाइन में सेम इसी मेथड से कीजिए, 0 है 1 है, 0 और 1 के बीच में हमें कितने डिवीजन करने हैं, टोटल आपको 4 पार्ट्स चाहिए, 1 2। अब देखिए 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया, 4th पार्ट ये हो गया, टोटल कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। इसका पहला पार्ट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड 1/4। इसी तरीके से ये क्या होगा, 2/4, ये क्या होगा, 3/4, ये क्या होगा लास्ट वाला, दैट इज 4/4। तो हमें क्या लोकेट करना है, 1/4, 1/4 इज एट हियर। नेक्स्ट 3/4 भी हमने इसमें लोकेट कर दिया था, 3/4 भी हमने इसमें लोकेट कर दिया था, फिर से एक बार बना देता हूँ, सॉरी मैंने इरेज कर दिया, 0 1, यहाँ कहीं 2 है, 2 आपको लिखने की जरूरत नहीं, 0 और 1 को ही 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये हमारा था 1/4, ये था 2/4, ये था 3/4। तो 3/4 हमारा कहाँ आ गया, ये, और चौथा क्या है 4/4, 4/4 हमारा जो लास्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड 4/4। तो 4/4 हमारा कहाँ आया, जहां पर 1 है, होल नंबर जहां है, दैट इज 4/4। ओके, नेक्स्ट बी देखते हैं, 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, मीन्स आपको नंबर लाइन में 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, ये 0 है ये 1 है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस खींच देंगे तो ये 8 पार्ट्स में हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। अब 1/8 कहाँ आएगा, दैट फर्स्ट पार्ट इज 1/8, और 2/8 कहाँ आएगा, दिस इज 2/8। 2/8 का मतलब समझ रहे हैं ना, यहां से लेकर के यहां तक पूरा कवर कर रहा है 2/8,
केवल ये इतना पोर्शन नहीं है, केवल इतना पोर्शन नहीं है, पूरा यहाँ से जीरो से लेके टू तक। इसी तरीके से 3/8 कहाँ आएगा, यहाँ आ रहा है। 7/8 कहाँ आ रहा है, 7/8 इज हियर। ओके, नेक्स्ट थ्री पार्ट देखते हैं, 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, देखिएगा, 0, 1, 2 क्या करना है, 0 से लेके 1 तक को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बीच में 4 लाइंस ड्रॉ करनी है इक्वल डिस्टेंस पे, 1, 2, 3, 4। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब पहला क्या है, 2/5, तो ये हमारा क्या है, दिस इज 1/5, तो दिस इज 2/5। ओके, नेक्स्ट क्या है, 3/5, दिस इज 3/5। अब क्या है, 8/5। अब हमारा तो यहाँ पे 5/5 पे ही खत्म हो गया था, ये था 4/5, ये था 5/5, फिर 8/5 कैसे होगा, अब हमें इस 1 के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, 1 के भी आगे, मीन्स जिस तरीके से हमने 0 और 1 को 5 पार्ट्स में किया था, अब 1 और 2 को भी उसी तरीके से इक्वल 5 पार्ट्स में कीजिए, मीन्स यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4। अब ये क्या हो गए, ये 6 पार्ट हो गया, ये 7th पार्ट, ये 8th पार्ट, ये 9th पार्ट एंड ये 10th पार्ट। हमें क्या ड्रॉ करना है, क्या लोकेट करना है, 8/5, 8/5 इज हियर, 8/5। देन 4/5, 4/5 हमने पहले ही लोकेट किया हुआ है, दिस इज 4/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रिक्शन, मींस इम्प्रॉपर फ्रिक्शन दिए हुए हैं, उनको मिक्स्ड फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। ए से लेके एफ तक है, एक एक करके देखते हैं। ए क्या है, 20/3। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 20/3 का मतलब क्या होता है, 20/3 मींस 20 शुड बी डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो हमारा यहाँ पर डिवीजर क्या है, 3, 3 से आपको डिवाइड करना है 20 को, 20 को डिवाइड करना शुरू कीजिए, 3 की टेबल पढ़िए 20 में, जहाँ तक इसका लास्ट आएगा 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, 3 6 18। ओके, 3 6 18 के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 2। तब अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, जब आपने 3 से 20 को डिवाइड किया तो आपको होल क्या मिला, दैट इज कोशियंट, कोशियंट जो है वो आपका होल नंबर है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 6। उसके बाद में आप अपॉन वाली लाइन खींचिए, डिवाइड वाली, फिर जो रिमाइंडर आया, दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा ऊपर हमारा, दैट इज 2 एंड डिवीजर, डिवीजर इज व्हाट, 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20/3 इज इक्वल टू 6 होल 2/3। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 6 होल 2/3, या फिर 6 2/3 6 2/3। ओके, चलिए बी पार्ट देखते हैं, 11/5 11/5, सेम इसी पैटर्न पे 5 से डिवाइड कीजिए 11 को, 5 2 10, रिमाइंडर आया 1। क्या लिखेंगे, कोशियंट हमारा क्या है, होल नंबर है, 11/5 इज इक्वल टू 2 होल 1/5, 1 हमारा रिमाइंडर था, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट, 17/7 क्या करना है, 7 से डिवाइड कीजिए 17 को, ओके, 7 2 14, रिमाइंडर क्या आया, 3। क्या लिखेंगे आप इसको, जो कोशियंट आया वो होल नंबर है 2, रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर हो गया 3/7। ओके, डी पार्ट देखिए, 28/5 क्या करना है, 5 से डिवाइड कीजिए 28 को, बहुत ही सिंपल है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, 5 5 जा
25, रिमाइंडर आया 3, होल नंबर हमारा क्या है 5, क्वेश्चन जो आया वही हमारा होल नंबर है 5, रिमाइंडर जो आया वो क्या हो गया, वो न्यूमरेटर में आ गया और जो डिवीजर था वो डिनोमिनेटर में, तो 20/5 इज इक्वल टू 5/3/5। नेक्स्ट ई पार्ट 19/6, 6 से डिवाइड कीजिए 19 को, 6 3 18, रिमाइंडर आया 1। ओके कैसे लिखेंगे, 3 हमारा होल नंबर हो गया कोशियंट और 1 न्यूमरेटर में आ गया, 6 डिनोमिनेटर में, 3 होल 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखिए यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलना है। अभी आपने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदला था, अब इसका जस्ट उल्टा है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदला था, अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं, पहला ये पार्ट क्या है, 7 होल 3/4, कैसे करना है इसको, चलिए लिखते हैं। ये पार्ट है हमारा 7 होल 3/4, देखिए इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए कैसे करना है। ये हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, मीन्स यहां से एरो लगाइए होल नंबर की तरफ और जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड करना है। मैं करता हूं, जैसे ही आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको याद हो जाएगा। डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करना, मीन्स 7 × 4, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या ऐड कर देना है, जो न्यूमरेटर है हमारा न्यूमरेटर, एंड अपॉन में हमारा नीचे क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर पहले से था वही आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर क्या था 4। ओके अब इसको करके देखिए, 7 × 4 कितना हुआ 28 + 3/4, ये हमारा इसका रिजल्ट क्या आया 28 + 3 = 31/4। ओके तो अब हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, 7 होल 3/4 इज इक्वल टू 31/4। देखिए कभी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए। अब ये हमारा 31/4 आया, इसको हम क्रॉस चेक करके देखते हैं, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 31 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 7 = 28, रिमाइंडर आया 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो कोशियंट है, कोशियंट हमारा क्या है होल नंबर है, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, 7 होल 3/4 आ गया, यही हमारा क्वेश्चन था, मीन्स जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट 5 होल 6/7, 5 होल 6/7 को करते हैं, देखते हैं 5 होल 6/7 क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आए उसको प्लस करना है इसमें, मीन्स 5 × 7 + 6 / जो हमारा डिनोमिनेटर था सेम 7, 5 7 = 35 + 6/7, 35 + 6 हमारा कितना हो गया 41/7। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5 होल 6/7 इज इक्वल टू 41/7। इसको भी क्रॉस चेक करें, चलिए देखते हैं, 41 को किसे डिवाइड करना है 7 से, 7 × 5 = 35, रिमाइंडर आया 6। अब इसको लिखिए, क्या करना है, कोशियंट हमारा होल नंबर हो गया, रिमाइंडर हमारा जो है न्यूमरेटर हो गया और डिवीजर हमारा डिनोमिनेटर हो गया, 5 होल 6/7, 5 होल 6/7 मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ओके चलिए सी पार्ट देखते हैं, 2 होल 5/6, 2 होल 5/6 को देखते हैं क्या होगा, सी पार्ट 2 होल 5/6 क्या करना है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है, सिक्स सॉरी सी पार्ट टू होल फाइव अपॉन सिक्स। ओके, सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए, डिनोमिनेटर को सबसे पहले लिख लीजिए, सिक्स हमारा डिनोमिनेटर है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स प्लस फाइव कितना हो जाएगा, सिक्स टू जो ट्वेल्व प्लस फाइव अपॉन सिक्स। ओके, ट्वेल्व प्लस फाइव कितना हो जाएगा, सेवनटीन, सेवनटीन अपॉन सिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टू होल फाइव अपॉन सिक्स इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सिक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, डी पार्ट टेन होल थ्री अपॉन फाइव, चलिए देखते हैं, डी पार्ट टेन थ्री बाई फाइव क्या करना है, सबसे पहले लाइन खींच लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख लीजिए, फाइव को फाइव, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, टेन मल्टीप्लाई बाई फाइव प्लस जो हमारा न्यूमरेटर है थ्री, अब इसको सॉल्व कीजिए, टेन फाइव जा फिफ्टी प्लस थ्री अपॉन फाइव, फिफ्टी प्लस थ्री फिफ्टी थ्री, फिफ्टी थ्री अपॉन फाइव। तो हमारा आंसर क्या आ गया, टेन होल थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री अपॉन फाइव। ओके, इसको भी आप क्रॉस चेक करके देखिएगा। नेक्स्ट ई पार्ट नाइन होल थ्री अपॉन सेवन, इसको भी देखते हैं, नाइन होल थ्री अपॉन सेवन क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लिया, नाइन का सेवन से मल्टीप्लिकेशन और न्यूमरेटर में ऐड करना है, नाइन मल्टीप्लाई बाई सेवन प्लस थ्री, ये ऐड का सिंबल था, मल्टीप्लाई मत समझिएगा। ओके, नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री प्लस थ्री अपॉन सेवन, आंसर क्या हो गया हमारा, सिक्सटी सिक्स अपॉन सेवन, नाइन होल थ्री अपॉन सेवन इज इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स अपॉन सेवन। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, बीच बीच में क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए अपना आंसर, ताकि अगर हमने कहीं गलती की है तो वो पकड़ में आएगी। सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, रिमाइंडर थ्री लिखिए, देखिए क्या है, कोशियंट हमारा होल नंबर हो गया, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर हो गया, एंड डिवीजर हमारा डिनोमिनेटर, नाइन होल थ्री अपॉन सेवन, नाइन होल थ्री अपॉन सेवन आंसर हमारा करेक्ट है। एफ पार्ट एट होल फोर अपॉन नाइन, चलिए देखते हैं, एट होल फोर अपॉन नाइन क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज नाइन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एट मल्टीप्लाई बाई नाइन प्लस जो न्यूमरेटर था फोर, नाइन एट जा सेवेंटी टू प्लस फोर डिवाइड बाई नाइन, सेवेंटी टू प्लस फोर सेवेंटी सिक्स डिवाइड बाई नाइन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एट होल फोर अपॉन नाइन इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स अपॉन नाइन। ओके, चलिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 7.2। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 इसको कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।